दोस्तों अगर आप बिहार देख पाएंगे कोई तूफान वाले पास मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे T20I मुकाबले से ठीक पहले मैदान पर लाइव बल्लेबाजी देखने को मिली। दोस्तों भारत और श्रीलंका का दूसरा T20I मुकाबला जल्दी शुरू होने वाला है, जिसके लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की नेट सेशन की ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है। चाहे सूर्य कुमार यादव हो, युजवेंद्र चहल हो, हार्दिक पांड्या हो या फिर ईशान किशन, सभी तैयार हैं दूसरे T20I मुकाबले के लिए। पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज अक्षर पटेल, उमरान मलिक, बड़े बड़े गेंदबाज तैयार हैं अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से। लाइव सेशन हुआ आज नेट्स का भारतीय टीम का। दोस्तों भारतीय टीम मजबूत नजर आ रही है। युवा खिलाड़ियों से भरपूर भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए हार्दिक पांड्या की सेना ने श्रीलंका को 2 रनों से शानदार हार हरा कर रख दी, जिसके चलते भारतीय टीम का मनोबल काफी बढ़ गया है। भारतीय टीम के फैंस भी काफी ज्यादा खुश हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक नई टीम का आगाज हो चुका है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस साल वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वक्त हो चुका है भारत बनाम श्रीलंका के दूसरे T20I मुकाबले का, क्योंकि पहला T20I मुकाबला भारतीय टीम के हक में रहा और पहले T20I मुकाबले में भारतीय टीम को 2 रनों से शानदार जीत मिली। अब बात कर लेते हैं तीसरे T20I मुकाबले की, क्योंकि दूसरा और तीसरा T20I मुकाबला ही काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि दूसरा T20I मुकाबला भारतीय टीम अगर जीत जाती है तो ये सीरीज ऐसे ही जीत जाएगी भारतीय टीम। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम में कौन सा बड़ा बदलाव होगा तीसरे और दूसरे T20I मुकाबले की। दोस्तों एक और बार चोटिल हो गए हैं संजू सैमसन और बाहर हो गए हैं दूसरे T20I मुकाबले से। जी हाँ दोस्तों, कोई और खिलाड़ी अब संजू सैमसन की जगह लेगा दूसरे T20I मुकाबले में। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे T20I मुकाबले की टॉस की और मैदान की। दोस्तों हार्दिक पांड्या पिछले मुकाबले में टॉस हार गए थे, लेकिन टॉस हारने के बाद भी भारतीय टीम ने शानदार तरीके से मैच को जीत लिया। दोस्तों अगर इस पिच पर दोनों ही कप्तानों में से जो भी टॉस जीतता है वो गेंदबाजी ही करेगा, क्योंकि चेसिंग इस मुकाबले में आसान होगी। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 वही प्लेइंग 11 होगी जो पहले T20I में थी। सिर्फ संजू सैमसन जाएंगे और दूसरा खिलाड़ी संजू सैमसन की जगह ले। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इस T20 श्रृंखला को जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देना चाहिए। दोस्तों अगर आप इमरान मलिक को एक अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब हो चुका है भारत बनाम श्रीलंका का पहला T20I मुकाबला। दोस्तों पहले T20I मुकाबले भारतीय टीम को 2 रनों से शानदार जीत मिली। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे दीपक हुड्डा, क्योंकि इनके 41 रनों की पारी के बदौलत भारतीय टीम ने 162 रन लगा दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इतने के रन चेस का पीछा करने जब श्रीलंका उतरी थी तो धासुन शना का जो श्रीलंका एक कप्तान है मुकाबला बदल रहे थे और पूरी भारतीय टीम को संकट में डाल चुके थे। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कैसे हार्दिक पांड्या की चतुराई श्रीलंका को 99% जीता हुआ मुकाबला हरा दिया। दोस्तों जब धासुन शना का तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और मैच के 16 ओवर की तीसरी गेंद उमरान मलिक ने जैसे इनको इस तरीके से फेंकी तो वो इस गेंद को खेल नहीं पाई। गेंद उनके पैरों के बीच से निकलकर ईशान किशन के हाथों में जाकर गिरी। लेकिन हार्दिक पांड्या ने चतुराई ये की कि मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए उन्होंने रिव्यू लिया, जबकि सभी को बता था कि बल्ले का एज नहीं लगा है। फिर भी हार्दिक पांड्या ने यह काम किया ताकि बल्लेबाज का मनोबल टूटे और ताकि मोमेंटम भारतीय टीम के हाथ में जाए, और ठीक हुआ भी वैसा ही। जैसे डिसीजन को नॉट आउट दिया गया वैसे ही उमरान मलिक ने ओवर की अगली गेंद फेंकी और यहां से बदल गया मुकाबला। जैसे उन्होंने गेंद फेंकी साइड बल्लेबाज दासुन शनाका को, दासुन शनाका ने इस तरीके से सामने का शॉट खेला और सामने ही थे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली और एक करनामा करते हुए श्रीलंका के बड़े बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने इस तरीके से रन आउट करा दिया। दोस्तों उमरान मलिक की तेज गेंद और हार्दिक पांड्या की चालाकी ने मिलकर दासुन शनाका को आउट करा दिया, जो कि सेट बल्लेबाज से। दोस्तों हार्दिक पांड्या की ये चतुराई भी कह सकते हैं या फिर कुछ और भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस साल वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जानदार जिससे कुछ है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम श्रीलंका का पहला T20I मुकाबला। दोस्तों पहला T20I मुकाबला काफी यादगार और काफी शानदार रहा। दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम को 2 रनों से आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार जीत मिली, जिसके चलते भारतीय टीम ने सीरीज को भी लीड कर दिया है 1-0 से। दोस्तों 3 T20I मुकाबले की श्रृंखला है, जिसमें पहला ही मुकाबला हार्दिक पांड्या की युवा टीम ने जीत लिया है। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे दीपक हुड्डा, जिन्होंने बल्लेबाजी से एक धमाका किया था। दोस्तों इस मुकाबले में दीपक हुड्डा ने 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी सिर्फ 23 गेंदों में, जिसमें से दीपक हुड्डा ने 4 तूफानी छक्के व 1 तूफानी चौका लगाया था। दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप के बदौलत भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 162 रन लगा दिए थे, जो कि एक सम्मानजनक टोटल था। दोस्तों इतने टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका कोई बल्लेबाज मैदान